चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं, आप लेन देन की बात जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि हमारे लड़के के लिए कई जगह से अच्छे अच्छे संबंध आए हैं और बहुत सारे पैसे भी दे रहे हैं। आप लेन देन की बात जल्द से जल्द कर लें, खाना पीना बाद में तो होते रहेगा। बहन जी, आप आदेश दें, हम कोशिश अवश्य करेंगे। देखिए भाई साहब, आप 10 लाख का प्रबंध करें और पेमेंट शादी से पहले हो जाना चाहिए। बाप रे, 10 लाख, इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे? हम तो किसी प्रकार 3 से 3.5 की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बेटी आपको सदैव प्रसन्न रखेगी। 10 लाख का व्यवस्था हो तो बताएं, वरना मुझे इससे भी ज्यादा पैसे देने वाले हैं। बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? हम अपना सब कुछ बेच देंगे, परंतु आप नाराज मत होइए। बहन जी देखिए, हम कुछ बेचने की बात नहीं कह रहे, आप तो बस 10 लाख का प्रबंध करें। माँ, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया है, आप क्यों चिंता करती हैं? मैं नौकरी कर पैसा कमाऊंगी और आप लोगों के पास ही रहूंगी बेटे की तरह। जिस घर में बहू की इज्जत ना हो, जिस घर में पैसों को मनुष्य से बड़ा समझा जाए, उस घर में विवाह करने से अच्छा तो अविवाहित ही रहना अच्छा। कैसी ढीठ लड़की है ये, अपने माँ बाप के सामने बकबक करती है, हमें रिश्ता नहीं करना। चलो जी, चलो बेटा। माँ, ये लड़की क्या गलत कह रही है, इसने तो सही ही कहा, जहाँ व्यक्ति से बड़ा पैसा को समझा जाए तो मनुष्य की कीमत क्या रह जाएगी। मैं तो पैसा कमा ही रहा हूँ, लड़की भी पढ़ी लिखी है, वो भी कमा सकती है, इस प्रकार हमारी गृहस्थी में उसका भी सहयोग होगा। हमारी सरकार भी दहेज बंदी का संदेश दे रही है, इस कार्य में हमें भी सहयोग करना चाहिए। लड़की के माँ बाप अपने अमूल्य धरोहर उनकी बेटी तो दे ही रहे हैं हम सबको, इससे बड़ा दहेज और क्या होगा। क्षमा करना बहन, मेरे बेटे ने और आपकी बेटी ने मेरे आंखें खोल दी है, मुझे ये शादी मंजूर है, सच में बहू ही एक दहेज है। क्यों जी, क्या कहते हो? तुम सही कहती हो, थोड़ी देर के लालच का हमारे को पता डाल दो, अब हमारी आंखें खुल चुकी है। भाइयों और बहनों, आप भी अपनी आंखें खोले, समाज से दूर करें और अपने परिवार को खुशहाल बनाएं, हमारी तरह